फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतिक बोथरा गरिमा बोथरा चैनल से, और मैं आज आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ एक न्यू वैकेंसी आई है दोस्तों, उसके फॉर्म आज से स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, दिल थाम के बैठी है, मैं आपको बताऊँगा। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो आपके ज़रूर दोस्तों इस वैकेंसी में नंबर आ सकता है। जो आज वैकेंसी आई है मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात हाईकोर्ट की रिक्वायरमेंट है 2018 की। इसमें पूरी मैं आपको डिटेल्स दूंगा, कैसे फॉर्म भरने हैं, फॉर्म की फीस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। देखिए, गुजरात हाईकोर्ट की रिक्वायरमेंट आई हुई है 2018 के लिए। हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, उसमें बताया गया है कि 1149 पोस्ट आई है दोस्तों पीओन की, जो कि मतलब हम ऑल इंडिया में कोई भी व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है। जो लोकेशन है जहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी वो दोस्तों गुजरात है। आप देख रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट पीओन, जो कि क्लास फोर की यानी कि डी ग्रुप के हिसाब से हो जाती है। 1149 पोस्ट है दोस्तों इसमें। जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए या फिर उसके जैसी आपको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए किसी और इंस्टीट्यूट से। और जब बात हम करते हैं यदि एज लिमिट की, तो जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई है दोस्तों, और जो एससी और एसटी है उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी दोस्तों इस पर। और जो आपको पे मिलेगा, भुगतान मिलेगा, वो होगा दोस्तों 14,800 रुपये से शुरू होकर 47,100 रुपये दोस्तों। और इसके लिए जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है या पैटर्न है वो इस प्रकार है कि आपका पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू बिल्कुल ईजी होगा, आपको बस पढ़ना लिखना आना चाहिए। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। और अब हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये रखे गए हैं फीस के लिए, और जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी है उनके लिए मात्र 150 रुपये रखे गए हैं फीस के लिए। आप ऑनलाइन फॉर्म भरा के डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या ऑफलाइन भी चालान के थ्रू भी आप पैसे जमा करा कर सकते हैं। और अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आज से यानी 1 नवंबर 2018 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 30 नवंबर 2018 तक ये फॉर्म चलेंगे। और एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है जनवरी या फरवरी 2019 में। अप्लाई करने के लिए मैं आपको ऑफिशियल लिंक बता रहा हूँ गुजरात हाईकोर्ट .nic.in में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़े। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप जरूर जरूर इसको फॉर्म भरे, आपका नंबर उन 1149 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट्स आप भी हो सकते हैं। थैंक यू टू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब गरिमा बोथरा चैनल। ऐसे और भी वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गरिमा बोथरा को। धन्यवाद दोस्तों।